Good morning, kids. How are you all? Yes, okay. So today we are going to learn addition. Okay. So, what is the addition? Do you know? Addition क्या है? Yes, no. Yes. तो मैं आपको बताती हूँ, आज सिखाऊंगी. I will teach you addition. ओके. तो आप घर पे खेल रहे हैं, ठीक है, और आपके फ्रेंड आपको 2 चॉकलेट देते हैं. क्या देते हैं? 2 चॉकलेट. ओके, तो आपके पास कितनी चॉकलेट हुई? 2 चॉकलेट. ओके, और उसके बाद आपकी मम्मा आती है और वो आपको देती है 1 चॉकलेट. क्या देती है? 1 चॉकलेट. ठीक है, तो काउंट करो. पहले 2 तो थी ऑलरेडी, फ्रेंड ने दी थी, फिर मम्मा ने दी 1 चॉकलेट. तो आपके पास कितनी चॉकलेट हो गई? 1, 2, 3. पहले 2 थी आपके पास, 2 फ्रेंड ने दी थी, उसमें 1 ऐड हुई, तो हो गई 3 चॉकलेट. तो आपके पास कुछ है और उसमें कुछ वो ज्यादा होता है, कोई देता है, कहीं से आता है, तो वो ऐड होता है, उसको बोलते हैं एडिशन. क्या बोलते हैं? एडिशन. समझ में आया ना सबको? यस, ओके. अभी यहाँ पे देखो, आई हैव टू स्केच पेन एंड माई फ्रेंड गिव मी 4 स्केच पेन. आई हैव ऑलरेडी 2 स्केच पेन एंड माई फ्रेंड गिव मी 4 स्केच पेन. देन नाउ हाउ मैनी स्केच पेन्स आर देयर? कितनी हुई? काउंट करो. इसमें एड हुई ना, ज्यादा हुई ना. मेरे पास तो ओनली 2 थी, उसमें मेरे फ्रेंड ने मुझे 4 स्केच पेन दी, तो ये 2 में से अभी कितनी हो गई? काउंट इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 हो गई. तो 2 में मैंने 4 स्केच पेन अभी ऐड कर दी, तो ये हुआ एडिशन. एडिशन में ऑलवेज जो नंबर होता है वो बढ़ता है, ज्यादा होता है, मोर होता है, ठीक है, कम नहीं होता है. क्योंकि एडिशन मतलब कुछ ऐड होना, तो अगर कुछ भी है उसके अंदर कुछ ऐड करते हैं तो वो ज्यादा ही होता है ना, कम थोड़ी ना होता है. ओके, तो उसको बोलते हैं एडिशन. डन. अभी इसमें समझ में आया? ओके. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. मेरे पास है ना 3 कलर्स थे, ओके. आई हैव 3 कलर, राइट. और एक टीचर ने मुझे गिफ्ट में दूसरे 2 कलर दिए. ठीक है, तो ऑलरेडी आई हैव 3 कलर एंड टीचर गिव मी 2 कलर. तो हाउ मैनी कलर्स आर देयर नाउ? काउंट इट. 1, 2, 3, 4 एंड 5. ऐड हुआ ना, 2 कलर्स ऐड हुए, तो अभी कितने हो गए? 5. ओके, डन. समझ में आया एडिशन? ओके, तो अभी मैं आपको बोर्ड पे एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है. चलो, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर, दिस इज द सिंबल ऑफ एडिशन. प्लस, इसको बोलते हैं प्लस. दिस इज द सिंबल ऑफ एडिशन, इसको बोलते हैं प्लस. मतलब ये प्लस करते हैं, उसके बाद जो भी है वो उसमें ऐड हुआ, इसका मतलब ऐसा होता है, ठीक है. ओके, नाउ हियर इज अ चॉकलेट.
हाउ मेनी चॉकलेट? 1, 2, 3, 4 हियर इज द 4 चॉकलेट एंड 2 चॉकलेट्स किसी ने दी. ओके, तो ये ऐड हुई, ज्यादा हुई, तो 4 के बाद डायरेक्ट अभी आपके पास कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 That means total chocolates are 6. Total chocolates are 6. So you have to write here 6 number in the box. Samajh mein aaya? Phir se 1, 2, 3, 4. 4 chocolate hai plus add 2 chocolate. तो 4 के बाद 5, 6 ओके डन. वेरी गुड. चलो अभी यहां पे बलून से, इतने बलून्स ऑलरेडी बर्थडे में थे लगाए हुए, इतने बलून्स ऑलरेडी बर्थडे में लगाए हुए थे और ये बाकी के जो बलून्स है ना वो जो बर्थडे में आए थे ना वो लेके आए, बच्चे में सब आते हैं ना, तो ये बाकी के बलून वो लेके आए, तो ऑलरेडी इतने थे और उसमें ये ऐड हुए, तो टोटल अभी कितने बलून हुए? तो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ओके, ऑलरेडी 5 बलून्स आर in the birthday party and someone bring 4 balloon. तो वो लेके आए तो वो add हुआ. Okay? तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 Okay? तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? Total balloons 9 Okay? इसको बोलते हैं addition. फिर से ये एडिशन की साइन है, जब भी कोई ऐड करते हैं तो ये सिंबल हम लिखते हैं. ओके, ऐड मतलब कुछ ज्यादा होना, जो भी ऑब्जेक्ट हम कर रहे हैं आपको समझ में आएगा उसमें ये जो है वो ज्यादा हो जाता है. 1, 2, 3, 4, 5 पहले सिर्फ 5 बलून थे पर जो लेके आए हैं बर्थडे में वो 4 बलून लेके आए तो वो ज्यादा हो गए ना उनके पास. ओके, नाउ नेक्स्ट फ्लावर. हाउ मेनी फ्लावर्स आर हियर? 1, 2, 3, 4, 5 एक गार्डन में 5 फ्लावर्स ग्रो हुए थे. 1, 2, 3, 4, 5 ओके, तो 5 ऑलरेडी थे. अभी दूसरे दिन कितने हुए? अभी टोटल कितने हो गए दूसरे दिन? 1, 2, 3, 4, 5 5 फ्लावर और ग्रो हो गए. तो अभी टोटल कितने हो गए गार्डन में? पहले ऑलरेडी 5 थे, फिर दूसरे दिन दूसरे 5 ग्रो हुए, तो अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ से आपको इसके बाद का नंबर ही काउंट करके लिखना है. 6, 7, 8, 9, 10 ओके, 10 ओके. नाउ नेक्स्ट दिस इज सम एनिमल्स इन द फार्म. फार्म में कितने एनिमल्स थे? पिग, हॉर्स, cow, cat, sheep. 1, 2, 3, 4, 5 animals थे. Okay? और फिर दूसरे दिन 3 animals add हुए. 1, 2, 3 पहले सिर्फ ये ही थे 5 और दूसरे दिन ये 3 उसमें add हुए. Add हुए मतलब आए, तो उनको भी अभी साथ में एक टीम में ही काउंट करना पड़ेगा ना, है ना? तो कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
अभी कितने हो गए फार्म में? 8 हो गए. ओके, हियर इज अ स्माइली फेस. 1, 2, 3 3 स्माइली फेस है. उसके बाद टीचर ने और स्माइली फेस बनाए. कितने बनाए? 1, 2, 3, 4, 5 और बनाए. तो ये 3 और 5 दोनों भी साथ में काउंट करेंगे तो टोटल मिलेंगे हमें कितने हैं. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अभी कितने हो गए स्माइली फेस? 8 ठीक है, समझ में आया ना सबको? यस. फिर से मैं बताती हूँ, दिस इज द सिंबल ऑफ एडिशन. एडिशन का सिंबल है, हमारे पास कुछ भी हो जैसे कि ये 4 चॉकलेट है. और पापा हमारे लिए 2 चॉकलेट और लेके आए, तो ये काउंट करनी है. टोटल अभी कितनी हुई? यू हैव ऑलरेडी 4 चॉकलेट एंड पापा ब्रिंग्स फॉर यू 2 चॉकलेट. देन नाउ हाउ मेनी चॉकलेट्स आर हियर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 के बाद यहाँ पे 6 फिर से काउंट नहीं करना है. 1, 2, 5, 6 5, 6 ठीक है. फिर से यहाँ से 1 से काउंट नहीं करना है. 4 के बाद 5 and 6 टोटल चॉकलेट्स आर 6. तो सब में ऐसा है, पहले 1, 2, 3, 4, 5 अभी यहाँ से 6 ये बलून ऐड हुए हैं. तो ऐड हुए हैं तो ये न्यू काउंटिंग स्टार्ट नहीं करना है, आपको कंटिन्यू काउंटिंग करना है. 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डन. समझ में आया ना सबको? हियर इज द सम एनिमल. ये एनिमल ऐड हुए है तो फिर उसको न्यू काउंटिंग नहीं करना है, पूरी एक टीम बनानी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे भी ऐसा है, 3 स्माइली फेस ऑलरेडी थे, टीचर ने 5 स्माइली फेस और बनाए तो कंटिन्यू काउंटिंग. अभी टोटल कितने स्माइली फेस हुए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डन. समझ में आ गया ना सबको? चलो अभी यू हैव दिस बुक ना, तो ओपन दिस पेज नंबर 33, 34, 35 and 36 आपको करना है. ठीक है, ऐसे ही है, ऑब्जेक्ट सिर्फ डिफरेंट है. ठीक है, पर आपको ऐसे ही जैसे टीचर ने इसमें सिखाया है वैसे ही आपको इसमें करना है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है 1 cap देन अनदर cap, तो 1 ऐड हुई है दूसरी cap, 1, 2 तो यहाँ पे आपको लिखना है 2. फिर यहाँ पे है 1 house एंड यहाँ पे है 2 house ऐड हुआ है. देखिए यहाँ पे सिंबल है ऐड का, 1, 2, 3 तो यहाँ पे आएगा 3 स्टार 1 plus 1, 2, 3 है तो 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पे आएगा 4. फिर नेक्स्ट डक 1 यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डक. काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे आएगा 5 बॉल्स है तो सबको साथ में टोटल में काउंट करना है 1 2
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, दो बॉक्स दिए हैं 1 0 10 लिखने के लिए. ओके नाउ नेक्स्ट चॉकलेट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आएगा 8. एंड दिस इज द मैंगो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा 6. पहले एक मैंगो थी, फिर 5 मैंगो दूसरी आई, तो टोटल कितनी हो गई 6. ओके तो यू हैव टू डू पेज नंबर 33 34 35 एंड 36. ओके किड्स बाय.